नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, 5 मार्क्स के अराइज हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अराइज हो ही सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें, अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ओके, तो आते हैं अपन मेनिंजिस। कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई मेम्ब्रेन होती हैं। कितनी होती हैं ये? संख्या में 3 होती हैं। चलिए इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले यहाँ पर देखो बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रही है? कवर कर रही हैं। कितनी होती हैं संख्या में? 3। कैसी मेम्ब्रेन है ये? प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? मेनिंजिस। ठीक है, इनको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन 2 पार्ट में, मेनिंजिस को। ये यहाँ पर देखो आप, एक पढ़ेंगे अपन क्रेनियल या सेरिब्रल, और दूसरी पढ़ेंगे स्पाइनल मेनिंजिस। ठीक, आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्रेनियल या सेरिब्रल मेनिंजिस। संख्या इनकी कितनी है? 3। चलिए देख लेते हैं उन तीनों को। 3 कौन कौन सी लेयर हैं? अपन चलते हैं अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर नहीं चल रहे अपन। ठीक है, तो अंदर की तरफ कौन सी पाई जाएगी? पाया या पेयमेटर पहली लेयर, दूसरी मिडल लेयर अरकनोइड मैटर। ठीक है, और सबसे बाहर की तरफ कौन सी पाई जाएगी बेटा? ड्यूरा टफ लेयर, ड्यूरा मैटर। इन तीनों को अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनमें से जो पाया मैटर है और अरकनोइड मैटर है, इनके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, लेप्टो मेनिंजिस। यहाँ से भी आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप स्टार बना करके लिख सकते हो। ठीक है, लेप्टो मेनिंजिस किसे बोलेंगे? तो किसे बोलेंगे बेटा? पाया मैटर और अरकनोइड मैटर। चलिए एक अपन सजाइटल व्यू में देखते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेक्शन लेते हैं और उसमें देखते हैं ये तीनों लेयर 1 बाय 1। लेकिन ध्यान रखना बेटा, अपन अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्रेनियल या सेरिब्रल मेनिंजिस ही। ठीक है, स्पाइनल को अपन सेपरेट वीडियो में देखेंगे। ओके। एक मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, उस डायग्राम को आप देखो मेरे साथ ही साथ, चाहो तो आप बना सकते हो। ये दिखा रहे हैं अपन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, है ना? हेमिस्फीयर, एक ही हेमिस्फीयर दिख रहा है बेटा। ठीक है ना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये तो ये अपना कॉर्टेक्स दिखाई दिया। ठीक है, दूसरा पार्ट यहीं पर होगा आपके पास, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला वाइट मैटर के फाइबर होते हैं। कौन सी फाइबर? उन फाइबर्स के नाम क्या है बेटा? ये एक स्ट्रक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये है कॉर्पस कैलोसम। हालांकि इनकी यहां पर जरूरत नहीं है, बस अपन डायग्राम दिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। बस अपन को डिस्कस करना है मेनिंजिस। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कैविटी सिस्टम देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर में दिखा रहा हूं ना बेटा, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। ये डायलेटेड लास्ट पार्ट, टर्मिनल वेंट्रिकल,
पॉन्स मेड्यूला और ये स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ तक एक्सटेंड करेगी ये अभी अपन बात करते हैं, ठीक है। ये है आपका सेरेबेलम, ये एक स्ट्रक्चर रह गया यहाँ पर, अब इनके बारे में अपन बता देते हैं। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होगा, एक रेड कलर में आप दिखा दो, यहाँ पर कोरोइड प्लेक्सस, लेटरल वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस और ये थर्ड वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। और यहाँ पर ये फोर्थ वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दो फोरामेना मिलेंगे, एक तो लेटरल फोरामेन और एक मीडियन फोरामेन, फोरामेन ऑफ, ये फोरामेन ऑफ मैगेंडी और ये फोरामेन ऑफ लुस्का, क्लियर ना बेटा। चलो अब बात कर लेते हैं अपन कैविटी सिस्टम की, उसके बाद बात करते हैं अपन इसकी पाया मैटर, अरकनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ठीक। कैविटी ऑफ टीलेंसिफेलॉन लेटरल वेंट्रिकल, कैविटी ऑफ डायनसिफेलॉन थर्ड वेंट्रिकल, कैविटी ऑफ मेजेंसिफेलॉन सेरिब्रल एक्वीडक्ट, कैविटी ऑफ हाइंड ब्रेन फोर्थ वेंट्रिकल एंड कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल कैनाल, ठीक है। और लास्ट में ये कहाँ पर टर्मिनेट हो रही है कैविटी, ये वाला पार्ट, डायलेटेड पार्ट, टर्मिनल वेंट्रिकल मीन्स ये स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट है, है ना। यहाँ तक ही स्पाइनल कॉर्ड होती है, यहाँ पर एंड होती है, किस लेवल में ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सा लेवल होगा भाई, ये वाला, कौन सा लेवल होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा, या एक और आंसर कर सकते हो अपर बॉर्डर ऑफ L2 वर्टिब्री, ठीक है। यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर्स के नाम दे देते हैं, उसके बाद बात करते हैं अपन आगे की, ठीक है। ये है सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल, ये डायलेटेड पार्ट क्या है, टर्मिनल वेंट्रिकल, ये कौन सा फोरामेन है, फोरामेन ऑफ मेजेंडी, मेजेंडी, ठीक है। ये लेटरल फोरामेन, ये क्या है, पॉन्स मेड्यूला और ये यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, साइड साइड में, ठीक है, दोनों साइड लेटरल साइड में, कौन सा फोरामेन, फोरामेन ऑफ लुस्का, ये है फोरामेन ऑफ, फोरामेन ऑफ लुस्का, ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। और यहाँ पर देखे थे ना भी अपन लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होगा भाई, थैलेमस, लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से किस फोरामेना के थ्रू कनेक्ट होते हैं, उस फोरामेन का नाम क्या है भैया, फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन। ये हो गया हमारा कैविटी सिस्टम, ये आपको काम आएगा कहाँ पर बेटा, जब आप CSF का सर्कुलेशन पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्शन होगा और सर्कुलेट मींस हमारे सबअरकनॉइड स्पेस में होता है, तो किन फोरामेना के थ्रू बाहर जाएगा सबअरकनॉइड स्पेस में, लेटरल फोरामेन और फोरामेन ऑफ मेजेंडी, फोरामेन ऑफ लुस्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी के थ्रू सबअरकनॉइड स्पेस में पहुँचता है। तो ये हो गया कैविटी सिस्टम। अब आते हैं अपन अपने आज के टॉपिक पर, किस पे, सबसे पहली लेयर के
पाया मैटर। क्लियर, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं पाया मैटर के लिए। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बताना, पाया मैटर क्या है बता रहे हैं, इसका ओरिजिन देखते हैं कहाँ से हुआ, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, लेकिन कहाँ से, न्यूरल क्रस्ट से। पाया मीन्स स्वीट आर टेंडर, टेंडर या मैटर, सॉरी मैटर मीन्स मदर, स्वीट मदर मीन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम और कहना चाहिए ब्रेन पूरा। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सबसे करीब वाली लेयर होती है, सबसे पास में होती है, उसके साथ ही होती है। तो कैसी लेयर है ये, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, क्लोजली इन्वेस्ट्स द सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ध्यान दो बेटा, कैसी मेम्ब्रेन है ये, वास्कुलर मेम्ब्रेन है, साथ ही साथ डिप इनटू एवरी सल्कस फॉर्मिंग द फोल्ड्स। क्लियर ना बेटा इतना, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं। ये पिंक कलर में मैं दिखा रहा हूँ आपको, यही वाली लेयर। देखो क्या बोला हमने अभी, क्या पढ़े अपन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सबसे करीब। तो ये पहली लेयर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, डायग्राम में देखो आप यहाँ पर, ये बिल्कुल सबसे करीब है ये लेयर, आपको क्लियर ही हो गया होगा। और ये डिप कर रही है सल्कस के अंदर, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना बेटा, साथ ही साथ चलते चलना, ठीक है। तो ये बिल्कुल ब्रेन, ब्रेन के करीब आ गई, ठीक है, और साथ ही साथ और ये कैसी लेयर है बेटा, हाईली वास्कुलर, वास्कुलर लेयर है ये, ये समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को। ये अपना डायग्राम कंप्लीट, ये पहली लेयर क्लियर। दूसरा पॉइंट यहां पर आओ अब आप नीचे की तरफ, यहाँ हमें स्पाइनल मेनिंजेस नहीं डिस्कस करना है, बस थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करना है कि ये दोनों लेयर आपस में जाकर जब मिलती हैं तो यहाँ से एक सिंगल एक्सटेंशन पाया मैटर का, ये सिंगल एक्सटेंशन पाया मैटर का किस लेवल तक एक्सटेंड करता है और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं ये देखना है अपन को, ठीक है। तो ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कौन सी वर्टिब्री है, C1 वर्टिब्री तक, और ये जो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, फाइलम टर्मिनेल। तो यहाँ पर बता दो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, फाइलम टर्मिनेल, और ये क्या है, C1 कॉकेक्स 1 मीन्स L1 से लेकर के C1 तक एक एक्सटेंशन, सिंगल एक्सटेंशन। अभी देख रहे थे दोनों साइड से आई लेयर जुड़ गई और यहाँ से एक सिंगल थ्रेड लाइक है ना ये स्ट्रक्चर L1 से C1 तक, फाइलम टर्मिनल। जब अपन डिस्कस करेंगे स्पाइनल मेनिंजेस वहाँ पर इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कि इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस करना है। अब देख लेते हैं अपन प्रोसेस किसकी, पाया मैटर की प्रोसेस देख लेते हैं। अब इसमें सिंपल पॉइंट, सिंपल देखना आप, पेरी वास्कुलर सीथ फॉर्म कर रही है किसके चारों ओर, वेसल्स जो एंटर करती हैं या ब्रेन सब्सटेंस से बाहर जा रही होती हैं उनके लिए क्या फॉर्म कर रही हैं, पाया मैटर पेरी वास्कुलर सीथ, ठीक है। टीला कोराइडिया,
पीला कोरोइड या क्या कहलाता है ये, जब अपन देखेंगे कोरोइड प्लक्सेस, तो कोरोइड प्लक्सेस में कोरोइडल आर्टरी, कोरोइडल वेन, कोरोइडल आर्टरी आगे चल करके कोरोइडल टफ्ट, कैपिलरी टफ्ट, कोरोइडल कैपिलरी टफ्ट बनाती हैं, उन टफ्ट को पाया मैटर कवर करती है, ठीक है ना। तो वो टफ्ट और विद पाया मैटर क्या कहलाता है, टीला कोरोइडिया, ठीक है। तो वहाँ के टीला कोरोइडिया के लिए भी पाया मैटर इंपॉर्टेंट है, कहाँ के, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के लिए। सीथ प्रोवाइड करती है किसके लिए, क्रैनियल नर्व्स के लिए। तो ये देख लिया हमने पाया मैटर, उसका ओरिजिन और उसके प्रोसेस, ठीक, ये आप समझ सकते जो अभी अपन ने देखी। दूसरी लेयर अपन देखेंगे अरकनोइड मैटर, ठीक है। ये रही पहली पाया मैटर क्लियर किया, अब दूसरा देखते हैं अपन अरकनोइड मैटर। दूसरी लेयर बेटा देखो यहाँ पर अरकनोइड मैटर, पहले तो मैं यहाँ डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके बाद इस डायग्राम में देख लो ये लेयर कौन सी है, अरकनोइड मैटर। ये ये सेकेंड लेयर अपनी कंप्लीट। देखो अभी यहाँ पर बात करते हैं अपन, ये ग्रीन कलर की जो लेयर दिखाई है अपन ने, ये वाली, ये कौन सी है, अरकनोइड मैटर। और इसके पहले जो पिंक कलर में दिखाई थी वो कौन सी थी, ये अंदर की तरफ देखो ये वाली, ये कौन सी थी, पाया। अब अरकनोइड मैटर के बारे में थोड़ा सा थ्योरी में पहले बात करते हैं, ठीक है। ये आते हैं यहाँ पर, देखो अरकनोइड मैटर, इसका भी ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ठीक। अरकनोइड मींस क्या होता है, स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर्स वेब मींस मकड़ी के जाल के समान। और ये मकड़ी के जाल बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, मैनी थ्रेड लाइक ट्रेबेकुली एक्सटेंड फ्रॉम इट टू द पाया मैटर। मतलब अरकनोइड मैटर से लेकर के पाया मैटर तक कुछ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन लगे होते हैं, ये ऐसे, ये दिख रहा है आपको, ये थ्रेड जिनको नाम क्या दिया गया है, ट्रेबेकुली। और ये ट्रेबेकुली के कारण ही ये मैटर, या कहना चाहिए ये मेम्ब्रेन कैसी दिखाई देती है, मकड़ी के जाल के समान। यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी गई, कुछ और समझाना है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं इनको अब कंप्लीट कर दूँ, आप थोड़ा सा होल्ड करें, ये समझ में तो आ गया ना, कुछ ऐसा ही मैं चारों तरफ ही बनाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये ट्रेबेकुली हमने दिखा दिया, ये जो ब्रेन में पाई जा रही है कैसे है, लूजली इन्वेस्टेड है, और साथ ही साथ फोरामेन मैग्नम के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर फोकस करना है आपको कि ये एंड कहाँ पर हो रही है, ये कौन सा लेवल है। तो ये ग्रीन कलर में जो यहाँ पर ये दोनों लेयर आकर के एंड होती हैं, कौन सी, ये दिखाया ना अपन ने अरकनोइड मैटर, ये लेवल कौन सा है, S2 लेवल, सैक्रल 2। यहाँ तक कौन रहती है, अरकनोइड मैटर। लेकिन ध्यान रखना बेटा, यहाँ तक कौन है, स्पाइनल कॉर्ड L1 की लोअर बॉर्डर तक, S2 लेवल तक कौन है, आपका अरकनोइड मैटर, और यहीं तक कौन रहेगा, ड्यूरा मैटर। तो ये देख लिया दूसरा अरकनोइड मैटर में, पहला स्ट्रक्चर आपने क्या देखा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको नाम क्या दिया गया है, ट्रेबेकुली, जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, अरकनोइड मैटर से पाया मैटर तक, ठीक है ना, एक्सटेंड करते हैं, ट्रेबे
कुले। ठीक, तो ये दो स्ट्रक्चर हो गए। अब फिर से अब इस पे आ जाते हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, लाइंग बिटवीन पाया मैटर एंड ड्यूरा मैटर। कहाँ पर पाई जाएगी, पाया मैटर और इसके बाहर की तरफ ड्यूरा मैटर, तो ड्यूरा और पाया के बीच में पाया जाता है। कौन सा मैटर, अरकनॉइड मैटर, या कहना चाहिए मिडल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर कैसी है ये, थिन ट्रांसपेरेंट डेलिकेट ए वास्कुलर है। पाया मैटर कैसी थी, वास्कुलर मेम्ब्रेन, और ये कैसी है, ए वास्कुलर मेम्ब्रेन है। ध्यान रखना बेटा, है ना, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द ड्यूरा मैटर। देखो यहाँ से ये थोड़ी सी दूर है किससे, पाया मैटर से, लेकिन ये क्लोजली किसके होगी, ड्यूरा मैटर के, जो आउटर अभी अपन लेयर देखेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ प्रोसेस देख लेते हैं। पहली प्रोसेस क्या देखेंगे अपन, अरकनॉइड विलाई, जो कैसे होंगे, फिंगर लाइक होंगे, कवर्ड बाय स्पेशलाइज्ड मीसोथीलियल सेल्स। मीसोथीलियल सेल से क्या होते हैं, कवर होते हैं, और विच कन्वे द CSF, CSF के लिए क्या पाथवे प्रोवाइड करते हैं, और कहाँ जाने के लिए CSF को, ब्लड स्ट्रीम में, दस लीडिंग टू द एब्जॉर्प्शन। और यही स्ट्रक्चर है जहाँ पर CSF का एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस कहाँ पर होगी, अरकनॉइड ग्रेनुलेशन, वो सॉरी अरकनॉइड मैटर से क्या बनेंगे, अरकनॉइड ग्रेनुलेशन। यही जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने थे, मींस मान लो कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, अरकनॉइड विलाई, और विथ एडवांस इज द अरकनॉइड विलाई एनलार्ज इन साइज एंड फॉर्म द पेडंकुलेटेड टफ्ट कॉल्ड द अरकनॉइड ग्रेनुलेशन। मीन्स ये रहे आपके अरकनॉइड विलाई और ये टफ्ट फॉर्म करेंगे, इन एक साथ इस स्ट्रक्चर को अब क्या बोल देंगे अपन, अरकनॉइड ग्रेनुलेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं, ये उसी के लिए जगह छोड़ी गई थी। तो फिंगर लाइक, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाए, एक सिंगल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाया, ये अरकनॉइड विलाई, लेकिन ये एक साथ पूरा स्ट्रक्चर अरकनॉइड ग्रेनुलेशन, ये अरकनॉइड विलाई और ये एक साथ मिलकर के अरकनॉइड ग्रेनुलेशन। ठीक है, इसके लिए भी यहां पर जगह छोड़ी गई थी। तो ये हो गया आपका क्या, अरकनॉइड ग्रेनुलेशन। तो ये दो चीजें तो हमने देख ली। तीसरी चीज ये देखो, यहां पर एक स्पेस है, पाया मैटर और अरकनॉइड मैटर के बीच में एक स्पेस है, उस स्पेस को किस नाम से जानते हैं बेटा अपन, किस नाम से, यहां पर मेंशन कर दीजिए, सब अरकनॉइड स्पेस, सब अरकनॉइड स्पेस। और इसी स्पेस में ही ध्यान देना बेटा क्या रहता है, CSF। कहाँ से, अभी बात किए थे ना अपन, ये कौन से स्ट्रक्चर हैं, कोरोइड प्लक्सेस, इन कोरोइड प्लक्सेस से जब CSF फॉर्म होता है, ठीक है ना, कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कैविटी सिस्टम में। ठीक, इस कैविटी सिस्टम से बाहर आएगा अब, तो किन फोरामेना के थ्रू, फोरामेन ऑफ मैगेंडी एंड लेटरल फोरामेन, फोरामेन ऑफ लुस्का, इनके थ्रू कहाँ पर आएगा, अरकनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में ये जो स्पेस बन दिख रहा है आपको, ये इसी स्पेस को ही बोलते हैं अपन क्या, सब अरकनॉइड स्पेस। ध्यान रखना बेटा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सब अरकनॉइड स्पेस में हमने क्या बात कर ली कि इसमें CSF होता है, प्लस इसी स्पेस में ही और एक क्या चीज़ होती है, आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ द ब्रेन लाई इन दिस स्पेस, इसी स्पेस में ही लार्ज आर्टरी एंड वेन्स स्थित होती हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या, मान लीजिए कुछ छोटी ब्रांचेस जो एंटर कर रही होती हैं या बाहर जा रही होती हैं, तो मान लीजिए कि ये एंटर कर रही है, ठीक है, तो इस आर्टरी के लिए आउटर लेयर कौन फॉर्म करेगा, पिया मैटर, लेकिन इसके लिए इनर लेयर कौन फॉर्म करेगा, अरकनॉइड मैटर। मीन्स कहने का मतलब मेरे ये है कि ये जो मान लो कि रेड कलर में ही दिखा देते हैं अपन यहाँ पर, ये है
आर्टरी जो अंदर की ओर एंटर कर रही है, ठीक। इसके लिए आउटर लेयर कौन फॉर्म कर रहा है, पाया मैटर, ठीक, और इनर लेयर इसके लिए कौन फॉर्म कर रहा है, अरकनॉइड मैटर। ध्यान देना बेटा, आउटर पाया, इनर अरकनॉइड। पाया और अरकनॉइड इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, ठीक है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरीवास्कुलर स्पेस। कौन सा स्पेस, पेरीवास्कुलर स्पेस, या एक और नाम से जानते हैं इसे अपन, विर्चो रोवेंस स्पेस। ध्यान रखना बेटा, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना क्या, अरकनॉइड मैटर। और तीसरा जो स्पेस है, सब अरकनॉइड स्पेस बिटवीन पाया एंड अरकनॉइड फिल्ड विद द सीएसएफ द आर्टरी एंड वेन्स ऑफ द ब्रेन लाई इन दिस स्पेस, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीन चीज़ें हमने देखी इसके प्रोसेस में, और इसका ओरिजिन देखा किसका, अरकनॉइड मैटर का। अब अपन लास्ट पार्ट की बात करते हैं, ड्यूरा मैटर की। लास्ट मेम्ब्रेन कौन सी है, ड्यूरा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, यहाँ पर पहले लेयर अपन देख लेते हैं बेटा, ठीक है, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ पहले लेयर, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। और ये उसके बाद यहाँ तक अभी समझो पहले, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर दिखाता हूँ भी स्पाइनल कॉर्ड वाली, ठीक है। ये आउटर साइड में सबसे बाहर वाली लेयर है कौन सी, ड्यूरा मैटर। ये जो अभी अपन ने दिखाई कौन से कलर में, ऑरेंज कलर में, ठीक है, आउटसाइड में है ड्यूरा मैटर। स्पेशियलिटी देखना है हमें कौन सी वाली, ड्यूरा की, क्रेनियल या सेरिब्रल पार्ट में, ठीक है। यहाँ पर आपको दो लेयर देखने को मिलेंगी, फेरी वाले पार्ट से समझो। ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर इसका ओरिजिन मेसोडर्मल, प्लस ड्यूरा मीन्स क्या, टफ, हार्ड, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैटर मींस मदर, सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, ड्यूरा मैटर, ठीक। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, द पार्ट इंक्लोजिंग द ब्रेन इज कॉल्ड द क्रेनियल आर सेरिब्रल ड्यूरा मैटर, ठीक है, एंड द पार्ट अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड स्पाइनल ड्यूरा मैटर। प्लीज क्लियर ना बेटा इतना। अब देखो इसके बारे में, इट इज वेरी टफ ओपेक एन एलास्टिक मेम्ब्रेन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, आउटर मोस्ट लेयर है, ध्यान रखना। और ये क्रैनियल ड्यूरा या सेरिब्रल ड्यूरा दो लेयर में पाई जाती है यहाँ पर, एक तो एंडोस्टियल ड्यूरा और दूसरी मेनिंजियल ड्यूरा, या कहना चाहिए मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर एंड एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। यहाँ पर दिखा देते हैं पहले, और ये जो दोनों लेयर में से एंडोस्टियल लेयर होती है वो सिर्फ और सिर्फ फोरामेन मैग्नम तक ही एक्सटेंड होती है, उसके बाद मेनिंजियल ड्यूरा स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होती है। तो ये देखो, ये दूसरी वाली ड्यूरा अंदर की तरफ वाली, जिसको हमने कौन से नाम दिया, मेनिंजियल ड्यूरा। तो ये मेनिंजियल ड्यूरा, ये मेनिंजियल ड्यूरा दिखा देते हैं अपन, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। डायग्राम में समझो बेटा, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, लास्ट लास्ट चल रहा है, थोड़ा सा और देख लें आप। बात की थी ना अपन ने कि अरकनॉइड मैटर के क्लोजली मेनिंजियल ड्यूरा होती है, ये।
और ये जो ड्यूअल लेयर दिख रही है ना आपको ड्यूरा मैटर की, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक होती हैं, आउटर वाली जो है ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, सिर्फ फोरामेन मैग्नम तक। उसके बाद जो इनर मेनिंजियल ड्यूरा है वो कंटिन्यू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, जिसको किस नाम से जानते हैं अपन, स्पाइनल ड्यूरा मैटर। ये आउटर लेयर हो गई ड्यूरा मैटर। अभी स्पाइनल ड्यूरा की बात नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ दिखाया है अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई, दो ड्यूरा हो गई। तो देखो यहाँ पर ये मेनिंजियल ड्यूरा इनर साइड में ये वाली, और ये दूसरी साइड आउट साइड में कौन सी ड्यूरा, एंडोस्टियल ड्यूरा। ये दोनों मिलकर के क्या बनाए, क्रैनियल या सेरिब्रल ड्यूरा मैटर। अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो जो एंडोस्टियल ड्यूरा है वो कहाँ पर अटैच है, अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ क्रैनियल बोन एंड इज कंटिन्यू थ्रू द सूचरल लिगामेंट एंड अराउंड द मार्जिन ऑफ फोरामेन विद द पेरिओस्टियम ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द क्रैनियम। एक चीज, मेनिंजियल लेयर या मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर देखिए इज अ स्ट्रॉन्ग फाइबरस मेम्ब्रेन एंड बिकम्स कंटिन्यू विद द स्पाइनल ड्यूरा एट द फोरामेन मैग्नम। मतलब ये जो एंडोस्टियल ड्यूरा है वो कहाँ तक जा रही है, सिर्फ फोरामेन मैग्नम तक, और स्पाइनल कॉर्ड की ओर जो ड्यूरा मैटर है वो कौन सी है, मेनिंजियल ड्यूरा, और आगे इसी मेनिंजियल ड्यूरा को ही क्या बोलते हैं अपन, स्पाइनल ड्यूरा मैटर। क्लियर। जब अपन स्पाइनल ड्यूरा या स्पाइनल मेनिंजेस देखेंगे तो और इससे ज़्यादा इसको अपन डीप समझेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये अपन ने दो कौन से दिखा दी, ड्यूरा मैटर। अब ये देखो अरकनॉइड मैटर प्रोजेक्टेड किसकी ओर प्रोजेक्टेड है, यहाँ पर फोकस करना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अरकनॉइड ग्रेनुलेशन किसकी ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसकी ओर जा रहे हैं, दे प्रोजेक्ट इनटू द वीनस लैकुना ऑफ द सुपीरियर सेजिटल साइनस। इसको अपन सेपरेटली देखेंगे सुपीरियर सेजिटल साइनस को, पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ की ओर, मतलब किसके अंदर जा रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, कहाँ जा रहे हैं, ये सुपीरियर सेजिटल साइनस। क्लियर ना बेटा। तो ये हो गई हमारी कौन सी ड्यूरा, वो सॉरी कौन सी मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर। क्लियर हो गया ना बेटा। ये ऊपर की तरफ कौन सी, एंडोस्टियल ड्यूरा, और अंदर की तरफ मेनिंजियल ड्यूरा, और इनको फाइनली हमने नाम क्या दिया, ड्यूरा मैटर ऑफ क्रैनियल या सेरिब्रल पार्ट। तो ये हमने क्लियर किया सेरिब्रल या क्रैनियल पार्ट की पाया मैटर, अरकनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्या, ये ड्यूरल सेप्टा आर फोल्ड्स, ड्यूरा मैटर के द्वारा कुछ फोल्ड्स फॉर्म होते हैं, इन ड्यूरा फोल्ड्स के द्वारा क्या होता है, क्रैनियल कैविटी कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है, ठीक है। वो देखेंगे अपन कौन कौन से, फॉक्स सेरिब्री, फॉक्स सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई एंड डायफ्रेग्मा सेली, इनको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरे ख्याल से मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जैसा भी हो बेटा प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी बढ़िया वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। ओके ओके, थैंक यू।